नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को इतिहास रचने जा रहे हैं। महाविजय के बाद शपथ ग्रहण को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी हो रही है। संयोग देखिए कि बीजेपी का ये जलसा पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में हो रहा है। मानो बीजेपी अपने पितामह अटल जी को श्रद्धांजलि दे रही हो। जब 1 लाख दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में इतिहास रचा जा रहा होगा, उस पल के साक्षी पीएम मोदी समेत विपक्ष के कई दिग्गज होंगे। मार्च 2022 ये वो तारीख है जब बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी जीत के बाद बीजेपी गदगद है। मोदी मैजिक और योगी के करिश्मे ने कार्यकर्ताओं को होली के 10 दिन पहले ही होली मनाने का मौका दे दिया। अब महाविजय के बाद शपथ ग्रहण को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। 1 लाख दर्शकों की क्षमता वाला भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 25 मार्च को शाम 4 बजे 70,000 से ज्यादा लोग योगी आदित्यनाथ सरकार की ताजपोशी के साक्षी बनेंगे। मैं मौजूद हूं इकाना स्टेडियम के अंदर, जहां पे योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होना है। ये एक तरफ जहां पे मंच बन रहा है, दूसरी तरफ ये वो जगह है जहां पे 1,000 वीवीआईपी लोग बैठेंगे। उसके अलावा 25,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। और जो स्टेडियम के चारों तरफ आप जो सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, वहां पे 45,000 लोग बैठेंगे। 45,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। उसके अलावा 25,000 लोग की सिटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे दूसरी तरफ मंच है, इस मंच पे योगी आदित्यनाथ का शपथ होगा। पीएम मोदी से मुलायम अखिलेश तक और सोनिया गांधी से लेकर मायावती जैसे वीआईपी को न्योता भेजा गया है। सीएम योगी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कई मिथक भी तोड़े। दशकों तक जिस नोएडा को अपशकुन माना जाता था, योगी ने उसे यूपी का शोकेस बनाया और यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट लाने के साथ यहाँ के कई दौरे कर ये भी बताया कि 21वीं सदी में अपशकुन जैसी बातें अखिलेश को शोभा नहीं देती। यूपी की सियासत में 37 साल बाद लगातार दूसरी बार किसी पार्टी ने सत्ता हासिल की है, इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जारी है। बता दूं कि 45 से ज्यादा मंत्रियों का शपथ होना है, जिसमें कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं, राज्य मंत्री हैं। उसके अलावा तमाम वो तीर्थ स्थल जो अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, प्रयागराज है, वहां से पुष्प मंगाए जाएंगे। ये जो लंबा सा मंच आपको दिखाई दे रहा है, ये इस लंबे मंच पे तमाम वो गणमान्य यहाँ पे मौजूद होंगे। चाहे वो प्रधानमंत्री की बात कर लें, चाहे तमाम वो केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, जहाँ पे उनके मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम लोग होंगे। जो विपक्ष की बात लगातार की जा रही है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर रखा है। पीएम मोदी के लिए जो हेलीपैड बनाया जा रहा है, वहां का जायजा भी हमारी टीम ने लिया है। प्रधानमंत्री मोदी समेत जो भी शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता जो हेलीकॉप्टर से आएंगे, उनको यहां पर उतरना होगा। यहां से उतरने के बाद वो स्टेडियम में जाएंगे और यहां पर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो सकेगा। बड़ी संख्या यहां पर मौजूद रहेगी, तो सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था की भी तैयारियां पूरी तरीके से यहां पर कर ली गई है। योगी के मंत्रिमंडल पर आखिरी मुहर लगने वाली है और इस लिस्ट में कई नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। वहीं कई अनुभवी मंत्रियों को रिपीट भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं कि इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन मेहमान शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनको निमंत्रण दिया गया है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष, उनको भी न्योता दिया गया है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, इन्हें भी न्योता दिया गया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें भी निमंत्रण भेजा गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा और भी कई राजनीतिक मेहमान हैं, जैसे मायावती बीएसपी सुप्रीमो, उन्हें भी न्योता दिया गया है। जयराम ठाकुर
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें भी न्योता दिया गया है, जबकि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री, इन्हें भी निमंत्रण दिया गया है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं, इन्हें भी दिया गया है, जबकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्हें भी न्योता मिला है। प्रमोद सावंत मौजूद रहेंगे, गोवा के मुख्यमंत्री हैं, प्रमोद सावंत को निमंत्रण गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ये भी मौजूद रहेंगे, जबकि विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, विप्लव देव भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो, ये भी मौजूद रहेंगे, और एन बीरेन जो मणिपुर के सीएम हैं, उन्हें भी कार्यक्रम में मौजूद रहना है। तो 25 मार्च को जब सीएम योगी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उस दिन इतिहास बनेगा। देखिए कैसे खास होगा योगी का शपथ ग्रहण समारोह। इकाना स्टेडियम में भव्य तैयारी, समारोह में शामिल होंगे 70,000 लोग, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे 1,000 वीआईपी, यानी कि 70,000 लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 1,000 वीआईपी समारोह में मौजूद रहेंगे, देश के प्रमुख संतों की भी मौजूदगी रहेगी इस कार्यक्रम में। संतों के बैठने के लिए अलग से स्टेज तैयार किया गया है, मेहमानों के लिए 25,000 कुर्सियां लगवाई गई हैं। महाविजय के बाद ऐतिहासिक समारोह का आयोजन किया जाएगा, कुछ बूथ अध्यक्षों को भी न्योता दिया गया है। तो यूपी में बड़ी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी ने यूपी की सरकार का खाका खींचने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद और कभी यूपी के प्रभारी रहे देश के गृहमंत्री अमित शाह को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। शाह के यूपी आने के पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। एक तरह से कहा जाए तो अमित शाह की देखरेख में यूपी में बनने वाले मंत्रिमंडल में मोदी के विजन 2024 का अक्स दिखाई देगा। योगी का शपथ, दो हजार चौबीस का विजय पथ, यूपी में 22 की कैबिनेट से 24 का चक्रव्यूह भेदने की तैयारी है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। योगी कैबिनेट को लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार भी गर्म है। बीजेपी गठबंधन 273 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर चुका है। ऐसे में अब यूपी सरकार गठन की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। अमित शाह बीजेपी के विधायक दल की बैठक में नेता के चुनाव से लेकर कैबिनेट गठन तक में भूमिका अदा करेंगे। माना जा रहा है कि योगी टीम के जरिए शाह 2024 की सियासी पिच तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को होने वाले योगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में कुछ नए चेहरों के साथ साथ उन चेहरों को भी मौका दिया जाएगा जिनकी बदौलत 2024 का जो बीजेपी का एजेंडा है वो सार्थक हो सके। ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2024 की छाप योगी मंत्रिमंडल में इस बार 25 मार्च को दिखाई पड़ेगी। माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ के नए मंत्रिमंडल में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति की साफ झलक दिखाई पड़ेगी। मंत्रिमंडल में ब्राह्मण समेत समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। वहीं बीजेपी को भारी मतदान करने वाली महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जिससे आने वाले 2024 में महिला वोटरों के बीच सकारात्मक संदेश जा सके। चर्चा है कि मंत्रिमंडल में ओबीसी और दलित वर्ग के उप मुख्यमंत्री बनाकर इन वर्गों की सरकार में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो अगले साल की शुरुआत में प्रदेश अध्यक्ष पर किसी ब्राह्मण चेहरे को अवसर देकर अगले लोकसभा चुनाव के समीकरणों को भी साधने की कोशिश होगी। योगी जी के मंत्रिमंडल में जो नए चेहरे आएंगे वो उन चेहरों का जो समीकरण होगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ होगा, और एक कॉम्पिटेंट परफॉर्मेंस वाले मंत्री ले आएंगे, क्योंकि अब दौर ऐसा है कि जिन जो सक्षम योग्य चेहरे आते हैं, मंत्री बनते हैं, तभी सरकार को उसका फायदा होता है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी का पर्यवेक्षक बनाकर यूपी भेजना अपने आप में इस बात का संकेत है कि बीजेपी की निगाहें अब 2024 पर ही टिकी हुई हैं, और उसी का अक्स योगी के मंत्रिमंडल में दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उत्तर प्रदेश के कई शहरों में होली शनिवार यानी कि आज मनाई जा रही है। इन्हीं में से एक शहर है गोरखपुर, जहां लोग 19 मार्च को धूमधाम से होली खेलते हैं। गोरखपुर में होली के दिन भगवान नरसिंह होलिकोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है और इस होली में यूपी के होने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भगवान नरसिंह की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कोविड के कारण 2 साल बाद ये शोभा यात्रा निकली है, जिसमें पूरा जन सैलाब सड़कों पर उमड़ा। गोरखपुर में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान गोरखपुर की धरती से सपा पर योगी ने करारा हमला बोला। योगी ने कहा कि यूपी की जनता ने राष्ट्रवाद और सुशासन को चुना। आम जनमानस को परेशान करना हिरण्यकश्यप की प्रवृत्ति थी। भक्त प्रहलाद भी विजयी हुए थे, यूपी की जनता भी विजयी हुई। हमें हमेशा चुनौतीपूर्ण मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। आपको बता दें कि आजादी के बाद पहली बार हुआ कि गोरखपुर की सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई। जब भी सार्थक दिशा में सामूहिक ताकत के बल पर आगे बढ़ेंगे तो फिर विजय श्री का वरदान आपको अवश्य प्राप्त होगा। भक्त प्रहलाद भी विजयी हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी विजयी हुए हैं और आगे भी जब भी सार्थक और सात्विक भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विजय श्री आपसे कोई छीन नहीं सकता। हमें हमेशा चुनौतीपूर्ण मार्ग को चुनना होगा और चुनौतीपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना होगा। उसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और आज उधर सीएम के बच्चों से लगाव की एक और तस्वीर गोरखपुर में दिखाई पड़ी। शोभा यात्रा में शामिल होने से पहले सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में अलग रंग में दिखे। सीएम योगी ने छोटी बच्ची को दुलार किया। बच्चों के साथ सीएम का खास लगाव है। योगी रैलियों और दौरों में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ब्लांड बन चुका है। बाबा का बुलडोजर अपने नुकीले दांतों से माफियाओं की छाती को रौंद रहा है। माफिया सदमे में है, अरमानों पर पानी फिर रहा है। प्रशासन माफिया और गुंडों को जरा भी ढीला छोड़ने के मूड में नहीं, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। शपथ ग्रहण भले ही 25 मार्च को होना हो, लेकिन यूपी में गुंडों पर हंटर लगातार चल रहा है। डर गया हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। आप सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, गोली मुझे मत मारो। आज आपने देखा होगा हमारे बुलडोजर की ताकत को। चुनाव में बबुआ ने नाम दिया था बुलडोजर बाबा, और बाबा के बुलडोजर ने ऐसी सफाई की कि लाल किला बनाने का सपना ध्वस्त हो गया। ब्रांड बन चुका बुलडोजर अब माफिया पर गरज रहा है और बुलडोजर की दहाड़ सुनकर माफिया दुबक गया है। गुंडे कांप रहे हैं क्योंकि बुलडोजर लेकर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद बुलडोजर को विराम मिला था, ग्रीसिंग कराई गई थी, सर्विसिंग कराई गई थी और 10 मार्च के नतीजे आते ही बुलडोजर फिर से गरजने लगा। अपने पहने पहने दांतों से माफिया के महलों को चबाने लगा। मेरठ का कार चोर माफिया हो या फतेहपुर का ट्रक लुटेरा सरगना, बुलडोजर ने पहने दांतों से दीवारों को ऐसे काटा कि गुंडों के महल खंडहर में तब्दील हो गए। हापुड़ में भी भू माफिया पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है, तालाब को कब्जे से मुक्त करा लिया गया। कानपुर में भी बुलडोजर की दहाड़ से भू माफिया जान बचाकर भाग रहे हैं। करोड़ों की जमीन को बुलडोजर माफिया से मुक्त करा चुका है। पुलिस का हंटर और प्रशासन का बुलडोजर साथ साथ गरज रहे हैं, साथ साथ आग उगल रहे हैं। बुलडोजर की धमक ने बड़े बड़े गुंडों की हनक निकाल दी। भले ही दोपहर में पसीने आ रहे हूँ, लेकिन गुंडों के लिए यूपी शिमला सरीखा हो गया है। अब बुलडोजर को हिटलिस्ट थमा दी गई है और चुन चुन कर गुंडों के गैंग को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। गुंडों की चर्बी उतारी जा रही है और गर्मी ठंडी की जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।